जो बिल्कुल वाटर डैमेज होते हैं उनकी लाइन निकल जाती है तो वो बनते नहीं है। तो उसका ना बनने का कारण कईयों को पता नहीं होता कि उसकी जो मेन लाइन है पीएम हम सुनते हैं तो उधर जाके उसका टेम्परेचर कम कर मशीन को पीस पे कर एयर कम कर इधर करता उधर निकली कैमरा सही कर फिलोप कर सोनू कैमरा सही कर क्लास में आपको नहीं ऐसा है ना सर, पहले सर्किट के बारे में पता नहीं था, अभी जो इसके प्रॉब्लम फाउंड की सभी ट्रैक निकले हुए थे इसके, तो फिर भी हमने उसका सेकंड सीपी पावर आईसीपी एमआईसी निकाल के उसकी टेस्टिंग की, निकाला सर, अभी ये ऑन है आपके सामने। सिर्फ अपनी इज्जत की जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। चलो नमस्कार सर, मैं सुनील कुमार पंजाब से। कल आज हमारी क्लास हुई थी बैटरी कनेक्टर की, इसमें हमें बताया गया था बी बैट की, आई डी की और थर्मस की और एक ग्राउंड की लाइन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो किसी कारण अगर जब हम लोग सेट रिपेयर करते हैं तो हमारे पास सेट आ जाते हैं जो बिल्कुल वाटर डैमेज होते हैं, उनकी लाइन निकल जाती है तो वो बनते नहीं है। तो उसका ना बनने का कारण कईयों को पता नहीं होता कि उसकी जो मेन लाइन है पीएमआईसी और पीएम दोनों में जाती है। पीएम में 1.8 का वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगी होती है वहाँ पर, और इसमें सप्लाई होती है बीच में, इसमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगा होता है और एक 10K का लगा होता है। तो इसकी सप्लाई जाती है पीएमआईसी में दोनों में 87 और 86 में। तो अगर किसी कारण वाटर डैमेज हो जाए, अगर हमें उसका कोई सलूशन ना मिले तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं, उसको यहाँ से आईडी की लाइन से और थर्म की लाइन से उसको उठा के हम डायरेक्ट इसके पीएमआईसी से जम्पर दे के इसको चालू कर दे सकते हैं। मैं अभी आपको सेट बताऊँगा, ये सेट पड़ा मेरे पास नोट फोर का बोर्ड है, ये नोट फोर का डाइग्राम बना रखा हमने, ये चालू सेट है, इसकी मैं आपको ट्रेसिंग करके बताऊंगा। ये चालू सेट है, इसकी ट्रेसिंग करके बताऊंगा मैं आपको। जो बैटरी कनेक्टर से आईडी को थर्मिक्स की लाइन जा रही है, इसको मैं पीएमआईसी सेकंड सप्लाई निकालूंगा इसकी, और इसको आपके सामने ट्रैक करके बताऊंगा। ये है सर, ये पावर है पीएमआईसी, ये मेन पावर है, सेकंड पावर किधर लगी है और ये सेकंड पावर अभी आप सेकंड पावर निकालेंगे। हाँ, ये सीपीयू एमएमसी के सीपीयू के बगल में लगाई है पीएमआईसी, अब मैं इसको अभी निकालूंगा, मोटर एक करके दिखाऊंगा इसको।
कैपेसिटर हिला हुआ था ना यहाँ पे, खिलाड़ी हो गया नहीं सर। ठंडा कर काम सर, काम लोग करते थे लेकिन बोलते हैं जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तो चाहे वो उसमें कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो बंदा कितने भी नॉलेज हो उसको, लेकिन उसके दूसरे गांव में जीरो है फिर। मैंने किसी से सीखा नहीं अपने, मैं ये अभी ये किसी को दिमाग में आ जाता है यार, मैंने कम से कम वो पैसा लगाया अपने आप, अपने आप के ऊपर ही, किसी को सीखा नहीं। खुंदक में एक बंदे बोलते यार मुंह उठा के आ जाते हो आप, वो का ये करते हो, मैं कोई बात नहीं, खुंदक में किया काम करते, जीरो लेवल से उठ के। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो वो मेरी जो कंडीशन थी वो तो स्पोर्ट नहीं थी किसी को, 10,000 में काम किया था, उसी से सब कुछ। शुरुआत ऐसी होती है, हर किसी की शुरुआत ऐसी होती है, ग्राउंड लेवल से ही होती है। मेरा सर जो 15 साल ऑपरेटरी की है मैंने, ऑल ऑन रूम है, ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी है जो मैं नहीं चलाता हूँ। कोई भी गाड़ी दे दो, मैं सन 2000 से लेके 2014 तक मैं ऑपरेटरी की, बॉम्बे आंध्रा इधर एमपी में हिमाचल, तो मैंने पूरा टोटली ऑल ओवर किया है ना, इसलिए एक्सपीरियंस है इनको। मैं इसीलिए डांटता हूँ सभी को, क्योंकि ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, मैं शुरू से फील्ड में रहा हूँ, घर घर लोगों के काम किए, इसलिए इनको डांट रहा। कल बहुत क्लास लगाई जो आपने मेरे को फ़ोन किया था ना सुबह, वैसे नहीं मैंने डायरेक्ट नहीं बोला तूने, क्योंकि जूती चप्पल होती है ना वो लपेट लपेट के गीली करके सबको सबकी तरफ से इतनी आँखें नीचे हो गई थी, शर्मिंदा हो गया था। जल्दी कर ले सर, बस हो गया, अभी चेक की करना सर, हल्का सा हिला हुआ था। देख अब तूने गंदा कपड़ा वापरा, देख कितना कितना नया कपड़ा लिया, देख ना, देख पिपड़ी कितना आ गया उसमें, देख वापिस साफ कर उसको, बोर्ड को साफ कर, थीना डाल ब्रश ले, पिपड़ी हाथ में लगा था, हाथ में लगा तुम्हारे हाथ में सर, फ्रेश कपड़े से काम, कपड़े की कमी थोड़ी है। चलो चलो, साइड के कंपोनर से बोल रहे, देख लो इसका छोटे इसको नहीं हो गए सर। तो जैसा आप देख सकते हैं ये, तो सुनील कैसा लग रहा है, तुमने आज एंडलेस पूरा ट्रेसिंग करा आपने, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया सर, ये सेट है। अब इसके ऊपर कुछ होगा क्या सुनील? नहीं सर। नॉलेज किस लेवल से मिला सर की क्लास में आपको? नहीं ऐसा है ना सर, पहले सर्किट के बारे में पता नहीं था, अभी जो इसके प्रॉब्लम फाउंड की, सभी ट्रैक निकले हुए थे इसके, तो फिर भी हमने उसका सेकंड सीपी पावर आईसीपी एमआईसी निकाल के उसकी टेस्टिंग की, निकाला सर, अभी ये ऑन है आपके सामने। तो ठीक है सुनील, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ऑल द बेस्ट, हर सेक्शन में ऐसे कैसे मिलेंगे हम। थैंक यू। यस, हम क्या करेंगे,